90 के दशक के शानदार अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्शन हीरो रह चुके हैं। भले ही आज उनकी फिल्में बहुत ही कम सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, लेकिन उनका वर्चस्व पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बरकरार है। सुनील शेट्टी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। वह अपनी जुदा डायलॉग डिलीवरी के लिए भी काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। फिलहाल सुनील शेट्टी फिल्मों में बहुत ही ज्यादा सक्रिय नहीं है और अपना ज्यादातर समय परिवार के साथ खंडाला वाले अपने घर पर ही बिताते हैं। और ऐसे में आज हम आपको इस घर से रूबरू कराने वाले हैं और अंदर की कुछ तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी ने अपने सपनों का महल मुंबई के पास हिल स्टेशन खंडाला में बनाया है, जहाँ की खूबसूरत तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती ही रहती हैं। सुनील शेट्टी के इस घर को फार्म हाउस भी कह सकते हैं। बेहद भव्य इस बंगले में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। सुनील शेट्टी के बंगले के अंदर वर्कआउट के लिए जिम भी बना रखा है। हालांकि सुनील शेट्टी के घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है, जहां की तस्वीरें आप देखकर मनमोहित हो जाएंगे। हालांकि सुनील शेट्टी के इस बंगले को प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट करवाया गया है और सुनील शेट्टी की पत्नी माने शेट्टी ने अपने इस आलीशान बंगले का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा है। हालांकि सुनील शेट्टी भले ही अब फिल्में नहीं करते हैं, लेकिन अब भी वह सालाना करीब 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई आसानी से कर लेते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी के कई होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, जिससे वह करोड़ों की कमाई करते हैं। सुनील शेट्टी मिसचीफ डाइनिंग बार और क्लब H20 के मालिक हैं। मुंबई के कई इलाकों में उनकी ब्रांच है। क्लब H20 सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा उनका खुद का ब्यूटीक है, जो कपड़ों की अपनी रेंज निकालता है। इतने नहीं, सुनील शेट्टी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम मुंबई हीरोज के कप्तान भी हैं। इसी के साथ ही अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो 2020 में कई सारी अभिनेता सुनील शेट्टी की फिल्में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से सिनेमाघर बंद है और इसकी वजह से अभी तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। हालांकि 2020 की शुरुआती में उनकी फिल्म रजनीकांत के साथ आई थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म का नाम था दरबार। ऐसे में उम्मीद की जाती है आने वाले समय में सुनील शेट्टी की और सारी भी बेहतरीन फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी और उन सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। लेकिन सुनील शेट्टी भले ही फिल्मों में नजर ना आए और फिल्मों की कमाई भले ही ना करें, लेकिन सालाना वो करीब 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ही लेते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही इतना ज्यादा फैला हुआ है। हालांकि उनके बच्चे अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना शुरू कर चुके हैं। अथिया शेट्टी, जो सुनील शेट्टी की बड़ी बेटी है, उनकी फिल्म हीरो आई थी, इसके बाद मोतीचूर चकनाचूर में नजर आई। इसके अलावा उनका बेटा आहान शेट्टी भी बॉलीवुड में कदम रखना चाह रहा है और ऐसे में उनकी मदद करने के लिए साजिद नडियाडवाला आ चुके हैं और तड़प फिल्म के साथ उनकी पहली फिल्म बॉलीवुड में नजर आने वाली है। फिलहाल इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप हमें ये बताइए कि सुनील शेट्टी का ये आलीशान बंगला आपको कैसा लगा। कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।